अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न फॉर अर्न पे आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से Google ट्रांसलेट को Google Chrome में एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वेब पेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी भी अपनी लैंग्वेज में आप वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से। तो ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपने वीडियो को ज़रा भी मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने अपने सर्च बार क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना है गूगल गूगल ट्रांसलेट फॉर गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन। तो गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन टाइप करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन टाइप करेंगे तो हमारे पास ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे नीचे गूगल ट्रांसलेट क्रोम वेब स्टोर पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके पास क्रोम वेब स्टोर की ये वेब पेज ओपन हो जाएगी, इस तरह की एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से ये कुछ देर ले रहा है। तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ये इनकी एप्लीकेशन ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन आ गई है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूछ रहा है, हमसे परमिशन मांग रहा है कि ऐड गूगल ट्रांसलेट को आप एक्सटेंशन में ऐड करना चाहते हैं, तो आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है, ये अभी हमारे क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट हैज़ बीन एडिड टू क्रोम। तो गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन हमारे क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो गई है। यूज़ दिस एक्सटेंशन बाई क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। अगर आप जब आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैनेज योर एक्सटेंशन बाई क्लिकिंग एक्सटेंशन इन द टूल्स मेन्यू। तो ये हमारी गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन हमारे क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो गई है। अब आप किसी भी वेब पेज को अपने उर्दू में ट्रांसलेट या किसी हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू वेब पेज खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को ही सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों आप अगर आप इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या हिंदी में वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी भी अपनी लैंग्वेज में आप इस वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल वे है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है आपने गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन आपने ऐड की है अपने क्रोम ब्राउज़र में, तो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करना है। ट्रांसलेट दिस पेज पे यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है हमारे पास ट्रांसलेट टू इंग्लिश। पहले इंग्लिश में वेब पेज हमारी ट्रांसलेट है। अगर आप इसे उर्दू में करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसके सामने ये जो टॉप डाउन बटन आपको नज़र आ रहा है, ये टॉप डाउन बटन होता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास तमाम लैंग्वेजेस आ गई हैं। अब आप जिस लैंग्वेज में भी वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फर्ज़ किया मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, उर्दू हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसे ऑटोमेटिक ही ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उर्दू में हमारी ट्रांसलेट हो गई है। अब हमारी तमाम वेब पेज हमें उर्दू में शो हो रही है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वेब पेज को ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप वेब पेज को आसानी के साथ अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप दोबारा से इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो ये था आसान था मेथड, मैंने कहा चलो दोस्तों को बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि
ताकि आप आइंदा भी ऐसी दिलचस्प वीडियो को देख सकें। और साथ ही एक बेल के आइकन पर आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।